नमस्कार, जय हिंद। कल मेरे पास एक बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन आया, एक बड़ा अटपटा सा सवाल आया। हालांकि मैं इसे अटपटा नहीं कह सकता, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है और ये चीज सबको जानना चाहिए क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर आता ही है। एक्चुअली हम जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हिस्से से रिलेटेड ये सारी चीजें कभी ना कभी फेस करनी ही पड़ती है। क्वेश्चन ऐसा आया कि एक आदमी ने पूछा मेरे से कि भाई मेरे पिताजी दो भाई थे, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। उसके पिताजी ऐसे दो भाई थे, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बी और यहाँ पर एक ले लेते हैं ए। तो कहता है कि मेरे एक ताऊ की पांच पुत्रियां थी, हम यहाँ पर उनकी पांच पुत्रियों के नाम ले रहे हैं जे के एल एम और एन। ये उसकी पांच पुत्रियां थी, बड़े पिताजी की उसके पांच पुत्रियां थी और ये लोग तीन भाई होते हैं, हम इनको एक्स वाई और जेड में कैटेगराइज किए ले रहे हैं। अब इनका क्वेश्चन ये है कि जो मेरे बड़े पिताजी की पांच पुत्रियां थी उन पांचों की शादी हो चुकी है, पांचों मैरिड हो चुकी हैं, अपने अपने घर जा चुके हैं। इसके बाद जो बड़े पिताजी की पत्नी है, मतलब उनकी बड़ी मम्मी है, तो उनकी बड़ी मम्मी की हो चुकी है डेथ, केवल बड़े पापा है। और जब बड़ी मम्मी बड़े पापा दोनों थे तो उनकी जो पुत्रियों की शादी हो गई थी वो अपने अपने घर में थी। जो उनकी टेक मतलब केयर टेकर थे ये लोग थे, एक्स वाई और जेड लोग थे, मतलब उनके भाई ने और उनके भाई के बच्चों ने इनकी पूरी की पूरी देखरेख की। जब इनकी पत्नी बीमार हुई, बड़ी मम्मी इनकी बीमार हुई, तो सारा का सारा पैसा लगाया, सारे की सारी ट्रीटमेंट कराई, लेकर गए हर जगह पर, सेवा की, खाने को दिया, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरा केयरिंग इन्होंने की। ये पांचों में से कोई भी देखने तक नहीं आया। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि इनके बड़े पिताजी की भी डेथ हो गई है और ये डेथ बिना किसी वसीयत के, बिना किसी विल के हो गई है। अब इस डेथ के बाद ये जो पांचों पुत्रियां हैं इनकी प्रॉपर्टी पे ये पांचों की पांचों क्लेम कर दी हैं और ये अभी तक जो इस प्रॉपर्टी को कंज्यूम कर रहे थे, तो इन लोगों ने जब क्लेम कर दिया तो ये प्रॉपर्टी अब इन लोग ये लोग ले रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, क्या ये प्रॉपर्टी इनको मिल सकती है या फिर ये जे के एल एम एन जो उनकी पांच पुत्रियां हैं सिर्फ उनके हिस्से में प्रॉपर्टी आएगी। तो देखिए, इस बात के लिए अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर दूं, सिंपल भाषा में आंसर दूं, तो आप लोगों ने चाहे कुछ भी किया हो, चाहे आपने सेवा की हो, चाहे आपने केयर टेकिंग की हो, कुछ भी आपने किया हो, अगर वो प्रॉपर्टी करने वाला बिना किसी वसीयत के मर गया है, बिना किसी वसीयत को एग्जीक्यूट किए हुए उसकी डेथ हो गई है, ऐसे सिचुएशन में उसके फर्स्ट क्लास के जो उत्तराधिकारी होते हैं प्रॉपर्टी उन्हें ही ट्रांसफर होगी, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो। अगर आपने कुछ किया था तो इससे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए था कि भाई जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, अगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, कल ये हो सकता है कि इनकी मृत्यु के बाद ये आ जाएं और ये फिर इस बात का दावा करने लगे कि हमें तो हमारी बाप की प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक बिल एग्जीक्यूट करा लेना था, वो भी आपको बिल जो बनवाना था, वो बिल आपको बनवाना था एक रजिस्टर्ड बिल। यहां पर मैं एक फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों की बात करूं तो फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों में जो उससे डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। जैसे कि मैं हो गया, मेरी माँ हो गई, मेरे पिताजी हो गए, या फिर मेरा बच्चा हो गया, मेरी बीबी हो गए, तो इस प्रकार से फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी होते हैं। दूसरा होता है उसके भाई या फिर उसके बच्चे, तीसरा फिर उसकी जो थर्ड होते हैं इस देयर इज नो हेयर एनी ऑफ टू क्लासेस, इन दोनों में से अगर कोई उसके उत्तराधिकारी नहीं है, द अपॉन जो भी उसके रिलेटेड अलग से होंगे वो उसके उत्तराधिकारी कहलाते हैं। तो अगर आपको यहां पर चाहिए हिस्सा कि आपको जो आपने जो कुछ भी किया उस पर आपको प्रॉपर्टी में हक चाहिए, तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो जेके एलएमएन है, जो पांच पुत्रियां हैं, उनसे आपको एक पारिवारिक रूप से समझौता करना होगा और ये कहना होगा कि भाई हमने ये सब किया है तो इसका हमें जो भी आपको देना हो तो दो। अगर आप कानूनी तरीके से कहोगे तो कानूनी तरीके से उसकी पुत्रियां ही हकदार होंगी और अगर वो इस चीज के लिए एग्री भी करती हैं तो फिर आपको इसका फायदा लेने के लिए, ऑप्टेन कराने के लिए उनसे रिलीज डीड करानी होगी प्रॉपर्टी की, अगर प्रॉपर्टी का केस है, या फिर आप गिफ्ट डीड के रूप में भी लड़कियों से ले सकते हैं। लेकिन उनकी डेथ के बाद, जैसे कि यहां पर मैंने डायग्राम बनाया, तो इनकी डेथ की, बी की डेथ के बाद जो डायरेक्ट इनके सब क्लास है ये लड़कियां हैं और इनके सब जो फर्स्ट लीगल फर्स्ट क्लास के हेयर हैं इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है, आपने केयर टेकिंग की है, लेकिन आपको विल एग्जीक्यूट कराना चाहिए था। यहां पर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और लॉन्ग करते हुए एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अगर बी के पक्ष में एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी तो फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर भी वसीयत नहीं कर सकते थे, वो आपको नहीं दे सकते थे, वो प्रॉपर्टी जे के एल एम एन की ही थी। भले वो पांचों पुत्रियां अब बाहर रहती है लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका अधिकार होता है, लेकिन अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बी के पास होती ऐसे सिचुएशन में वो वसीयत कर सकते थे। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर जाए तो सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।